व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माक्षार लिफ्ट्स। तो भाई आज की वीडियो में दिखाऊंगा अपना फुल डे ऑफ ईटिंग, दिखाते हैं क्या क्या खाऊंगा, सारा कुछ दिखाऊंगा। और उसके बाद जिम है, जिम को भी थोड़ा दिखाऊंगा, जिम का इंपॉर्टेंट सेशन है, मेन मेन लिफ्ट दिखाऊंगा सिर्फ। फिर और उसके बाद फिर अपना लंच पे जा रहे दोस्तों के साथ बाहर, तो तुम्हें मुंबई वाले सारे, तो उनसे दिखाता हूँ, उनसे मिलवाता हूँ, वो दिखाते हैं। और फिर रात को लास्ट में एक नाइट मैच भी खेलने जा रहा हूँ, तो उसका भी दिखाएंगे थोड़ा बहुत, तो सारा कुछ दिखाएंगे। आज बढ़िया फुल मज़ेदार दिन है, तो दिखाते हैं सब कुछ व्लॉग में। और ये था ना डाइट, दिखाता हूँ तुम्हें अपनी बढ़िया किस तरीके से खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ। थोड़ी सी हैवी हो जाती है बट सही है, इतना चलता है। अभी थोड़ा सा गेनिंग कर रहे हैं तो गेनिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना ही पड़ता है। हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी, खाना तो है ही है खाना। इट्स लाइक अगर किसी को फिट होना है, सो इट इज़ ऑलवेज 70% डाइट एंड 30% फिटनेस, एक्सरसाइज, जिम, जो भी करते हो। और पानी पीना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पानी। सो तुम्हें भूख भी उतनी लगेगी उस टाइम पे पानी ज़्यादा पियोगे तो। सो यू शुड ड्रिंक 3 to 3.5 liters वाटर एवरी डे, अगर तुम बढ़िया तरीके से फिटनेस करते हो तो। और फिर तुम्हें, चलो अपना खाना दिखाता हूँ और फिर तुम्हें जिम में मिलता है सीधा। ओके तो भाई ये फर्स्ट मील ऑफ द डे, 10 अंडों की भुर्जी विद 4 ब्रेड स्लाइसेस। 4 ब्रेड स्लाइसेस थोड़ी मतलब ज़्यादा है ब्रेड, बिकॉज कार्ब्स थोड़े से एक्स्ट्रा लेता हूँ आजकल गेनिंग के चक्कर में। सो फर्स्ट मील ये है। फिर अभी 2-1 घंटे के बाद ब्रेक होगा, 2-1 घंटे कुछ नहीं खाना है, बीच में पानी वानी थोड़ा बहुत पी लेंगे। और फिर अपना उसके बाद वर्कआउट से पहले तो मैं अपनी सेकेंड मील दिखाता हूँ, प्री वर्कआउट मील क्या खाऊंगा, और फिर जिम में वहाँ जाकर प्री वर्कआउट और फिर वर्कआउट दिखाते हैं। तो ये भाई प्री वर्कआउट मील, मसल ब्लेज के हाई प्रोटीन ओट्स हैं, बढ़िया रहता है, ओट मील जैसे हो जाते हैं बिल्कुल वर्कआउट से पहले, तो बढ़िया। इसका एक स्कूप लेके डालते हैं, एक एक 1.5 स्कूप जितना दिल करे आराम से डालो और बस बनाओ और खाओ। अब इसको खाता हूँ फटाफट, बैग भी रेडी है, एंड देन लेट्स गो जिम। तो भाई जिम पहुँच गया हूँ, अब तुम्हें दिखाता हूँ अपना प्री वर्कआउट, दिखाता हूँ एक बार। ये भाई प्री वर्कआउट मसल ब्लेस का टोटल बीस्ट। तो अभी ये वाला थोड़े टाइम के लिए नया ही लिया है, अभी जस्ट इसके 18 स्कूप वाला लिया है, थोड़े टाइम चला लूँगा, कॉज मेरे को एक बढ़िया सा ढंग का और प्री वर्कआउट ढूंढ रहा हूँ, अभी लेंगे उसके बाद फिर। अबे मतलब कि साला है जो मसल ब्लेज का सब कुछ है मेरे पास, मसल ब्लेज प्री वर्कआउट, ओट्स हो गए, मूसली लेनी है वो ले लेते हैं, वे भी उसी का है, अपना क्रिएटिन भी उसी का है। तो भाई मसल ब्लेज वालों सुन लो सालो, स्पॉन्सर स्पॉन्सरशिप भाई, कम ऑन, स्पॉन्सरशिप तक पहुंचेंगे, बढ़ाना है अपना यूट्यूब चैनल, भी स्पॉन्सरशिप चाहिए भाई, ड्रीम है, वन ऑफ द ड्रीम्स है, स्पॉन्सरशिप लेंगे किसी ना किसी की। तो मेहनत कर रहे हैं, सब करेंगे बढ़िया। तो फिर चलो अभी जिम चलते हैं, उसके बाद तुम्हें थोड़ा वर्कआउट दिखाता हूँ और फिर निकलते हैं दोस्तों के साथ में साइबर अप। Hey kid, don't ever let them get inside your head. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make deadlift, front squat, bent over row, barbell say, dumbbell say, sab ho gaya. सब करके भैंसो बहुत तेज सर घूम रहा है, साला कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से, घूम रहा है सब कुछ अंदर ही अंदर। अभी पुलअप्स और रह रहे हैं, नहीं कैसे करूँगा पुलअप्स, रिकॉर्ड नहीं करूँगा, बहुत थक गया हूँ। फिर नहाता हूँ
और नहाने के बाद तुम लोग से निकलता हूँ क्या पहना है और फिर निकलते हैं सही रख के लिए। आज तो भाई दक्ष को भी लूंगा भैंचोद, सही बढ़िया टाइम पास है। क्या हाल है भाई, तू कभी दिखा नहीं भाई दक्ष, सार्थक ओजस फीचरिंग अगेन, हट साले तू तो, और शर्मीले हाँ। तो भाई अपना दोस्तों के साथ जब मिल रहे थे घूम रहे थे साइबर अब में ना यार, थोड़ी बारिश हो गई तो थोड़ा सीन हो गया, ज़्यादा कुछ ऐसे उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाए, बस दोस्त की गाड़ी में बैठ के घूमे फिरे थे बढ़िया तरीके से, एकदम पूरा रोडों पे घूमे थे, बढ़िया मज़ा आया था उसमें। सो वो ज़्यादा नहीं दिखाया बिकॉज अपना थोड़ा पर्सनल टाइम वगैरह भी मज़े कर रहे थे लाइक जस्ट लाइक दैट। सो और वो ख़त्म करके सबको बाय बाय मिल मिल के अपना निकल गए सब अपने घर, और अब इधर आ गए हैं क्रिकेट खेलने आ गया हूँ। तो देखो बढ़िया एकदम बहुत प्यारा सा व्यू है, तो अभी मैच खेलेंगे, नाइट मैच है, थोड़ा आधा पौना घंटा प्रीपोन हो गया, साला बारिश ने बहुत बीटी बहुत सीन करे हैं। चलो जो भी है थोड़ा बहुत मैच का भी दिखाते हैं, करते हैं मैच भी इंजॉय करते हैं, मज़े करेंगे, चलो मिलते हैं गाइस। तो भाई मैच हो गया ख़त्म, मैच के बारे में बताता हूँ, अब दिख रहा हूँ ना मैं कहीं ज़्यादा लाइट या अंधेरे में तो नहीं, चलो थोड़ा सा दिखाते जैसे भी। सो 20 ओवर का मैच था नॉर्मल, ये है यार बालियावास की तरफ ग्राउंड है वहाँ पे, बहन चूद 7,000 रुपये लिए इसके मैच के, इतना गंदा ग्राउंड, कोई भी खेलता है ना गुड़गांव में, CBR ग्राउंड है, नाइट मैच देख लेना भाई, 7,000 की वर्थ बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। और हाँ 20 ओवर का मैच, पहले हमारी फील्डिंग, मैंने डाले भाई 4 ओवर डाले, 4 ओवर में 1 मेडन और 27 रन दिए, 1 विकेट ली, और साला ये जो 27 रन है इसमें 2 चौके मिसफील्ड, 2 कैच ड्रॉप, चल कोई नहीं हो गया ऐसी यार, अब क्या ही कहूँ उस चीज़ के बारे में, सो नेवर माइंड, फिर कभी खेलेंगे और बढ़िया परफॉर्म करेंगे। सो यही मैच था, मज़ा आया मैच में, और बैटिंग में तो फुल फीलिंग ले रहा था बहन जो बैटिंग बैट्समैन वाली की, साला ऐसे जा रहा हूँ अंदर बैट रोटेट करके रिकॉर्ड करके, मजे आ रहे थे उसमें, घंटा बैटिंग नहीं हुई मेरे से, ऑब्वियसली बात है भाई बॉलिंग करता हूँ, बट स्टिल सोचा थोड़े बहुत तो मार दूंगा, 2 ही रन मारे, 8 बॉल में आउट हो गया और बोल्ड सीधा मिडल स्टंप पे यॉर्कर, सो नेवर माइंड, हो गया जो गेम था, और फिर मज़ा आया, सही मज़ा आया खेलने में। एंड अब निकल रहा हूँ घर और तुम्हें दिखाता हूँ अपनी लास्ट मील, साला फुल डे ऑफ ईटिंग और मील्स दिखानी थी मेरे को, थोड़ा सा मैच बीच में, दोस्तों से मिलना, मस्ती बीच में, जंक फूड हो गया, चलो हो गया तो हो गया कोई बात नहीं। डाइट का देखो कोई 100% क्लीन, हमें कोई वैसे बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी उस तरीके से कि बहन जो फुल 100% क्लीन होनी चाहिए डाइट, ये सर बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं है, थोड़ा सा इंसान का हो जाता है यार 5-10% ऊपर नीचे, सो चलता है ठीक है, थोड़ा सा बाहर का खा लिया कभी कभार, इट्स फाइन, कोई ऐसी बात नहीं है, अगले दिन एक्स्ट्रा बर्न कर लेंगे। तो फिर चलो अब घर पे मिलता हूँ और तुम्हें बढ़िया अपना दिखाता हूँ लास्ट मील क्या खाई मैंने। हाँ तो भाई ये है लास्ट मील ऑफ द डे, चिकन रोल है और इसमें दो एग्स अलग से एडेड हैं, और ये अपना वे प्रोटीन 1.5 स्कूप और 1 स्कूप अपना क्रिएटिन का, और वे ये है अपना मसल ब्लेस का ISO 0 वे प्रोटीन है। तो ये लास्ट मील है ये दिन की, सो मेरी लास्ट मील यूजुअली या तो होती है अपना ये चिकन रोल बोल खा लेता हूँ मैं, 1 से 2, एक ही लिया आज, थोड़ा ऑलरेडी फुल लग रहा है और इसको फिर डबल एग कर दिया इसलिए मैंने 2 नहीं लिए, हैवी हो जाएगा इसके लिए बहुत, और वरना चिकन राइस होते हैं, तो यही दो ऑप्शन होते हैं मेरे पास रात के लिए, अपना लास्ट के रात को खाऊंगा जब भी लास्ट मील कर लेता हूँ व्हाटएवर व्हेनेवर, सो यही रहता है मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग में, लाइक मेरी 1-2 बार हो जाते हैं ओट्स, ना हाई प्रोटीन ओट्स है वो, और एक बार ले लेता हूँ 1 से 1.5 स्कूप वे प्रोटीन,
और एक बार होता है 10 अंडों की भुर्जी खा लेता हूँ, या फिर कैसे भी अंडे खा लेते हैं, 10 to 12 eggs रहते हैं, तो इसी तरीके से चार एक चार 3 से 4 या 4-5 meals हो जाती है दिन में। तो ठीक है, दिस इज़ नॉट बैड। बस ध्यान ये रखता हूँ कि अपना प्रोटीन इंटेक ठीक रहे, कार्ब्स भी ठीक रहे और फैट्स भी ठीक रहे, बिकॉज गेन करना है थोड़ा और अच्छे साइज। तो सही है, तो फिर इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड। सो अच्छी लगी कर दो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना लगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग।